तो गाइस आज हमारे पास में है मार्वल के सारे दुश्मन। मार्वल के दुश्मन नहीं गाइस, दोस्त बोल सकते हैं हम। सारे के सारे डीसी कैरेक्टर्स आप देख ही सकते हो। तो तुम कैसे हो बैटमैन? मैं तो एकदम अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? अरे हम भी बिल्कुल अच्छे हैं बैटमैन सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत पूछने के लिए हमसे ये। अरे एक सेकंड, उन्होंने मेरे से पूछा था, लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बड़े फैन हो। खैर छोड़ो, आज हम लोग गाइस इन्हीं के साथ करने वाले हैं स्पिन द व्हील चैलेंज, और ये देंगे हमें अपनी पावर्स इस चैलेंज के लिए। बिल्कुल सही बोला गाइस शिनचैन ने, और ये कंपटीशन होगा हमेशा की तरह इंसानों की टीम और सारे के सारे बेवकूफों की टीम। बेवकूफों की टीम, वाह यार शिनचैन बोल सकते हैं ऐसा। घोस्ट कम्युनिटी नाम है हमारा। अरे शिनचैन का वही मतलब था बेवकूफ। बेवकूफ नहीं, घोस्ट कम्युनिटी। अब यहाँ पर हम लोग अपना चैलेंज स्टार्ट करेंगे, और गाइस आज हमारे पास जितने यहाँ पर डीसी के करेक्टर है इन सब की पावर्स होने वाली है स्पिन व्हील के अंदर। और गाइस अगर आप चाहते हो कि हमारी टीम जीते तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो गाइस अभी के अभी, ताकि इन घोस्ट कम्युनिटी वालों की नाक फोड़ के रख दूं मैं। बिल्कुल सही बोला गाइस शिनचैन ने। अच्छा तो फिर चैलेंज कब स्टार्ट होगा? हाँ मैं देखना चाहता हूँ आखिर किसके पास निकलती है मेरी वाली पावर्स। मैं भी देखना चाहती हूँ। अरे हाँ दीदी, और मैं आपको देखना चाहता हूँ, पावर्स आखिर किसको ही लेनी है। यार शिनचैन तू बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से, इसलिए गाइस हम लोग आगे बढ़ करके अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो पहले कौन आने वाला है? इस बार तो हमारी टीम से किसी को पहले जाना चाहिए। अरे तुम पागल वागल तो नहीं हो ना, बाद में जाना चाहिए हमें। हे तुम अपना मुंह बंद रखो, टीम का लीडर मैं हूँ तो मैं डिसाइड करूंगा। तो पहले हमारी घोस कम्युनिटी की साइड से कौन आ रहा है? तुम लोगों ने डिसाइड तो कर लिया ना? मैं ही आ रहा हूँ और क्या। अरे कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। अरे तुम आओगे क्या थैनोस हेड? चलो कर दो फिर स्पिन। ठीक है स्पिन करते हैं और देखते हैं कि तुम्हारा निकलेगा क्या। लेकिन उससे पहले आलोक तुम भी खड़े हो जाओ यहाँ पर, ताकि मैं बारी बारी से स्पिन कर दूं तुम दोनों के लिए। बाकी गाइस अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर देना, और हम कर लेते हैं स्पिन। तो गाइस यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं अभी स्पिन थैनोस हेड के लिए। अरे थैनोस हेड की बस शक्ल ही थैनोस जैसी है, उसे पावर्स थोड़ी ना अच्छी मिल जाएंगी। खैर शिनचैन ऐसा कह नहीं सकते, हो सकता है किसी अच्छे डीसी का कैरेक्टर की उसे पावर मिल जाए। खैर गाइस यहाँ पर स्पिन तो कर दिया है हमने, और अब हम देखते हैं कि कौन से पावर्स मिलती है। एक सेकंड, साइबॉर्ग की पावर्स मिल गई उसे तो। मैंने बोला था ना खतरनाक पावर्स मिल गई तो। खैर यार शिनचैन इसकी पावर्स में तो ये उड़ भी सकता है। अब खैर तुम्हारी बारी आलोक, यार तुम्हारी कोई अच्छी पावर ही निकले। गाइस मैं आलोक के लिए स्पिन करता हूँ। एक काम करो, रुको पहले मैं थोड़ा सा नाचने लगता हूँ, मेरे नाचने से एक अच्छी वाइब आती है और मैं गुड लक के अंदर चला जाता हूँ। या 1 2 3 शिनचैन एक गाना हो जाए इसी बात पे। आलोक बंदर ही दोस्तों कहलाता है, सबके मुंह पर ये तभी तो पाद मारता है। अरे ये तुमने गाने का क्या हल कर दिया, पर कोई नहीं मैं डांस करता रहूंगा। अरे क्योंकि तुम बंदर जो हो। अरे 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 शिनचैन तूने गाने के साथ क्या कर दिया। और खैर लोग तुम्हारे डांस से देखते तुम्हारा कितना गुड लक बना है, अभी मैं स्पिन करके देखता हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे लोग को कौन सी पावर्स मिलती है। स्पिन तो हमने कर दिया है, कोई अच्छी मिले बस। खैर देखते हैं, एक सेकंड तुम्हें तो एक्वामैन की पावर्स मिल गई। ये मैंने बोला था ना। खैर तुम्हारी पावर्स भले ही एक्वामैन की हो, लेकिन तुम उड़ नहीं सकते यार। अगर तुम उड़ रहे हो तो रैम भी बहुत जल्दी क्लियर कर लेते, तो अब जल्दी से भेजते हैं रैम पे। अरे ये कैसा रैंप हुआ? खैर अब तुम्हें पार करना है इसे, कैसे भी करो। रुको ट्राई करता हूँ उड़ के देखने की। अरे भाई साहब मैं तो उड़ पा रहा हूँ। अरे गाइस यार मेरे को लग ही रहा था उड़ना भी सीख जाएगा। अरे एक सेकंड, थोड़ा सा कंट्रोल करना अजीब है, पर मैं कर सकता हूँ। एक मिनट, अरे भाई साहब मैं साइबॉर्ग ही बनाऊ ना। अरे तुम खुद को देख नहीं सकते क्या कि तुम उड़ पा रहे हो? तुम साइबॉर्ग ही हो इस वक्त। वाह ये हुई ना बात, वैसे जाना कहाँ तक है मुझे? एक सेकंड लगता है आगे जाना है या फिर पीछे जाना है। एक मिनट, यहाँ पर तो फिनिशिंग लाइन पानी के उधर है। ये रही फिनिशिंग लाइन। हाँ मैंने कर दिया इसे फिनिश फाइनली। खैर तुमने फिनिश तो कर दिया, लेकिन तुम्हें पावर तभी मिलेगी अगर अलोक तुम्हें नहीं हरा पाया तो। खैर मुझे फिनिशिंग लाइन तक पहुँचना है। हाँ तुम्हें फिनिशिंग लाइन तक पहुँचना है, वो भी 1 मिनट 20 सेकंड से पहले, क्योंकि थैनोस हेड ने भी इतने ही टाइम में कंप्लीट कर लिया था। और मेरा टाइम चल रहा है कि अभी रुका हुआ है? अरे तुम्हारा टाइम चल रहा है, पहले बोला था ना रुको सीधा पानी से ही जाऊंगा। एक सेकंड ये क्या कर रहे हो तुम? तुम शायद भूल गए कि मैं एक्वामैन हूं। अरे भाई साहब गाइस ये तो पानी के थ्रू जा रहा है, ये तो काफी देर तक पानी के अंदर रह पा रहा है। मुझे पानी के अंदर रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब। खैर मैं पहुंच ही चुका हूं, बस मुझे ऊपर चढ़ना है। खैर यही बात है बस, तुम ऊपर कैसे जाओगे? ऐसे एकदम आराम से, रुको दिखाता हूं तुम्हें, यहां ऐसे पानी में से कूद के ऐसे। एक सेकंड गाइस ये पानी के ऊपर कूद भी पा रहा है।
एक मिनट, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आ गया। अरे गाइस, इसने तो केवल एक मिनट और दो सेकंड में कंप्लीट कर लिया। अरे वही तो मैक्स भाई। इसका मतलब है कि लोग जीत गया। यस यस, मैंने कर दिखाया, मिल गई मुझे एक्वामैन की पावर। यार गाइस बिल्कुल सही बोल रहा है, ये हमारी टीम में से चलो पहला पॉइंट मिला हमें। अब किसको भेजोगे तुम? इजाजत हो तो मैं आ जाऊं। खैर चूचू चास, तुम आओगे क्या? कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। कभी कभार टीम के बड़े लोगों को भी जाना चाहिए। अब जल्दी से जाओ सिलेंडर मैन, तुम्हारी बारी। मेरी स्पिन में कुछ अच्छा ही निकलेगा। खैर वो तो अभी पता चल ही जाएगा। और इस वाली टीम में से कौन जाने वाला है? मैं चला जाता हूँ। ठीक है तुम्हारी बारी, आ जाओ। अब हम जल्दी से स्पिन करते हैं पहले सिलेंडर मैन के लिए। खैर गाइस, चार पावर्स बची हम पे, देखते हैं कि क्या निकलती है सिलेंडर मैन की। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर ड्राइवर की कौन सी पावर्स निकलती है। खैर गाइस, यहाँ पर बची तो सारी ही अमेजिंग पावर्स है, लेकिन सिलेंडर मैन को वंडर वुमन की पावर्स मिल गई। खैर अब तुम्हारे लिए स्पिन करते हैं जल्दी से ड्राइवर, आ जाओ। खैर गाइस, तीन पावर्स बची हम पे बस, और देखते हैं किसमें से ट्रेवर की कौन सी निकलती है। उसके बाद गाइस आएगा हमारा लास्ट राउंड, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ट्रेवर की फ्लैश की पावर्स निकल गई। चलो बहुत बढ़िया, हमारी टीम को अच्छी अच्छी पावर्स मिल रही है। खैर अब तुम जाओ जल्दी से सिलेंडर मैन, देखते हैं कि तुम्हें कौन सा रैंप मिलता है। अगर मैं वंडर वुमन बनाऊं तो कम से कम मैं कूद तो पाऊंगा ना ढंग से। हाँ तुम शायद से कूद वगैरह तो सकते ही हो। ये हुई ना बात, देखता हूँ ट्राई करके। अरे एक सेकंड, बहुत ज्यादा तेज कूदता हूँ मैं तो। खैर ये बात तो है, तुम बहुत ज्यादा ही तेज कूद रहे हो, पर तुम्हारी फिनिशिंग लाइन कहाँ पर है? शायद से मुझे यही से होकर के जाना है ऐसे कूदते कूदते। खैर यार सिलेंडर मैन काफी सही पावर्स है यार, वैसे इतनी बुरी भी नहीं है। अरे पर मैं उड़ तो नहीं सकता ना। खैर अगर तुम्हारी टीम को उड़ने वाली पावर्स मिल भी जाती तब भी मेरे को लगता नहीं तुम्हारी टीम जीतती, क्योंकि तुम हमेशा ऐसी हरकत करते। अरे ज्यादा फालतू मत बोलो, पिछली बार हम ही जीते थे याद है ना? अरे मुझे अच्छे से याद है, इसलिए मैं नहीं चाहता इस बार हारना बिल्कुल भी। इस बार ही तुम बस देखते जाओ हमारी टीम क्या करेगी। खैर तुम्हारी टीम कुछ भी करे, मैं सोच रहा हूँ एक शॉर्टकट लूँ यहाँ से वहाँ तक का, सीधा कूद जाता हूँ बस। अरे भाई साहब यहाँ पर आके गिरा सीधा, ये हुई ना बात, वहाँ से यहाँ तक की जंप। खैर गाइस ये तो काफी सही खेल रहा है अपनी पावर्स के साथ, अच्छा बैलेंस बना रहा है सिलेंडर मैन। खैर वंडर वुमन की पावर्स मेरी पावर्स जैसी भी है काफी हद तक, मुझ पे भी इतनी ही ज्यादा ताकत है। खैर वो दिख ही रहा है तुम फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने भी वाले हो, अब बस यहाँ से नीचे जाना है और आराम से एक सेफ लैंडिंग करने की कोशिश करनी है। एक सेकंड, मैं गिर गया मुंह के बल पर, कोई बात नहीं इतना तो चलता है। आ गया मैं फिनिशिंग लाइन पे। अरे भाई साहब तुमने इस चैलेंज को कुछ 2 मिनट और 13 सेकंड पे कंप्लीट किया है। अरे तुम इससे जल्दी करके दिखा दो फिर। खैर मैं फ्लैश बना हूं यहाँ पर। यही तो हमारे लिए फायदे वाली बात है यार ड्राइवर, तुम फ्लैश बने हो तुम सीधा फिनिशिंग लाइन तक क्यों नहीं पहुंच जाते? अरे फिनिशिंग लाइन उधर की साइड है ना, अब देखो मैं क्या करता हूं, सीधा यहां से वहां की ओर भागते हुए जाऊंगा, वो भी पानी पे से। एक सेकंड, कहां है ये, क्या कर रहा है ड्राइवर, ये तो पानी पे से भाग के आ गया। अरे वही तो मैक्स भाई, क्या खतरनाक सीन किया है इसने अभी। खैर गाइस सच में ट्रैवर ने यार ऐसा लग रहा है जैसे पहले भी फ्लैश की पावर्स यूज कर रखी हो। अरे करी थी एक बार। हाँ तभी तो मैं सोचूं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर पा रहे हो। खैर थोड़ा सा और भागना है फिर तो मैं पहुंच गया फिनिशिंग लाइन पे। अरे भाई साहब तुम तो बहुत ही जल्दी आ गए, अभी तो 30 सेकंड भी नहीं बीते ढंग से। अरे वही तो मैक्स भाई, और ये पहुंचने भी वाला है। खैर गाइस बहुत ही ज्यादा जल्दी आ गया यार ये तो। अरे ये रही ना फिनिशिंग लाइन, ये लो पहुंच गया। अरे भाई साहब तुम तो यहाँ पर सिर्फ 48 सेकंड्स के अंदर ही पहुँच गए। देखा इसे कहते हैं स्पीड। भाई साहब गाइस कैसे यार, इसने इतने खतरनाक तरीके से पता नहीं कंट्रोल कर लिया है, तो मैं भी नहीं समझ पा रहा। एकदम ही गाइस क्या ही बोले, बोला क्या मेरी बारी है। तो गाइस अब ये भी आ गया यहाँ पर, चलो ठीक है, मतलब अब अपनी टीम से आखिरी वाले राउंड में तुम ही आने वाले हो, तो अब तुम्हारा और मेरा ही कॉम्पिटिशन है मतलब। अरे हाँ मैक्स भाई, इस बार तो आपको ही जाना चाहिए। हाँ यार शिनचैन मैं ही नहीं गया काफी समय से, ठीक है मैं ही जाता हूँ। तो पहले हम स्पिन करते हैं पेनीवाइज के लिए, और अब गाइस केवल 2 ही पावर्स बची है, एक बैटमैन की और एक सुपरमैन की। मेरी ही निकलेगी देखना सुपरमैन वाली। खैर तुम्हारी जुबान भी तो काली है, देखते हैं कि निकलती है कि नहीं। गाइस सुपरमैन है बैटमैन, मेरे को पता नहीं किसकी पावर्स मिलेगी, बस किसी अच्छे की ही मिले तो फिर मेरी यार किस्मत चमक जाती, लेकिन यार यहाँ पर पेनीवाइज की किस्मत चमक गई और मुझे मिलेगी बैटमैन की पावर्स। अरे मैक्स भाई पर आप टेंशन मत लो, हम बैटमैन की पावर्स से भी जीत सकते हैं। हाँ यार शिनचैन बस हमें दिमाग तेज रखना है। खैर फाइनली रैंप पे आ गया, अब देखो मैं क्या करता हूँ, सीधा उड़ करके फिनिशिंग लाइन की साइड जाऊंगा। अरे पर तुम्हें पता तो है ना फिनिशिंग लाइन कहाँ पर है, तुम बस देखते जाओ, इन जगहों को फॉलो करके मैं वहाँ तक जरूर पहुँच जाऊंगा। खैर तुम पहले एक बार ढंग से देख लिया करो, उसके बाद उड़ा करो, वरना फिर तुम रास्ता भटक भी सकते हो। तुम मुझे मत सिखाओ कि गेम कैसे खेलना है, वो तुम मुझ पे छोड़ दो। खैर ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, पर फिनिशिंग लाइन है कहाँ पर ये मेरे को तो दिख ही नहीं रहा, ऊपर से कोहरा भी आ गया। खैर लगता है स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अब जल्दी जल्दी ढूंढता हूँ।
जाओ। अरे फिनिशिंग लाइन तो ये मिल गई फाइनली, सीधा इस पे जाता हूँ और ये लो, पहुँच गया मैं फिनिशिंग लाइन पर। क्यों कैसा लगा? एक मिनट और 5 सेकंड में तुम पहुँचो, वैसे इतना बुरा भी नहीं है, काफी जल्दी पहुँच गए। और गाइस हम भी आ गए हैं हमारे रैंप पे और हमारा टाइम भी स्टार्ट हो चुका है। अरे मैक्स भाई जल्दी जल्दी करो रैंप को पार। खैर शिनचैन हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा इस बार और अपनी स्नाइपर निकालूंगा, क्योंकि इस रैंप में मेरे को दिख चुका है कि फिनिशिंग लाइन कहां पर है। अगर तू देखेगा तो यहीं पर है, इतना ज्यादा गोल गोल घूम करके जाने की जरूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो सीधा भी पहुँच सकता हूँ। अरे पर आप सीधा पहुँचोगे कैसे? अभी मेरे पास बैटमैन की पावर है शिनचैन, ये शायद से तू भूल गया। अरे समझ गया मैक्स भाई, आप क्या करने वाले हो? खैर पैनी वाइस पे तो दिमाग था नहीं, लेकिन मैं अपना दिमाग यूज करने वाला हूँ। एक सेकंड, मैं तो सीधा यहीं पर पहुंच गया। अरे मैक्स भाई आप तो एकदम टेलीपोर्ट से ही हो गए। भाई तो यार शिनचैन ये क्या सीन था, मेरे को तो समझ ही नहीं आया गाइस क्या क्या हो गया ये। अरे खैर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, आपने तो केवल 12 सेकंड के अंदर ही कंप्लीट कर दिया। अरे भाई साहब केवल 12 सेकंड के अंदर, ये तो एकदम नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बन गया गाइस। इसलिए कहते हैं दिमाग यूज कर लेना चाहिए हर जगह। हाँ यार शिनचैन बिल्कुल सही बोला तूने, पैनी वाइज चाहता तो डायरेक्ट उड़ के आ जाता यहाँ पर उसने बेवकूफी करी, ये तो गेम ही दिमाग का है। खैर गाइस यहाँ पर हमारे बीच में आज डीसी वाले लोग आए। अरे तुम टेंशन मत लो मैक्स, हमें कभी भी बुला लिया करो, हम ऐसे ही आते रहा करेंगे। हाँ मुझे तो काफी मजा आया यहाँ पर इस कंपटीशन को देखने में। हाँ सच में कमाल का ही कंपटीशन है। हाँ ऐसा ही कंपटीशन देने के लिए तो मैं हमेशा से आना चाहता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ अगली बार हमें भी खेलने देना। अरे बिल्कुल, अभी तो बहुत से अलग अलग चैलेंजेस है जो हम लोग करने वाले हैं, उसमें हम तुम्हें बिल्कुल इन्वाइट करेंगे और हमारे एवेंजर्स भी आएंगे। बिल्कुल सही बोला, मैं तो जरूर आऊंगा, आखिर फैसला हो ही जाए कि एवेंजर्स बढ़िया या डीसी वाले, वैसे तो ये सब मेरे दोस्त है पर फिर भी कॉम्पिटिशन में मजा आता है। हाँ यार कॉम्पिटिशन में तो असली मजा है। खैर गाइस हाँ बाकी मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको और कौन कौन से चैलेंजेस चाहिए और किस किस कैरेक्टर के बीच में चाहिए। हाँ गाइस अभी कमेंट्स में बता दो जल्दी से।